नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं तथा इस वीडियो में हम पूरे रक्त के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर एग्जाम में रक्त से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका 100 नहीं, आपका 200% सही होगा आपका वह क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए हैं और वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रक्त की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है तथा रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति का रक्त होता है। ये दो क्वेश्चन भी काफी बार यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं तथा मानव शरीर के भार का 7 से 8% रक्त होता है और मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है तथा एक जरूरी और जानकारी, जन्म से पूर्व रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है तथा जन्म के बाद हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो किसके साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? वो होती है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता होती है। यह माना जाता है कि ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अधिक बंधुता बनाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन रंजक होते हैं तो मनुष्य में जो श्वसन रंजक होते हैं वो होते हैं हीमोग्लोबिन। यह भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रक्त के ए बी वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, तो ए बी जिसका रक्त वर्ग हो वह किसको रक्तदान कर सकता है? तो वह सिर्फ ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वह उसी को ही रक्तदान कर सकता है। चलिए दोस्तों हम इसको एक थोड़ा सा चार्ट के जरिए समझते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चाहे इसमें कहीं से भी कोई घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इस तरीके से कॉपी में एक चार्ट बना सकते हैं और यहाँ से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ओ बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। आप इस तरीके से टिक लगा लीजिए, आप इस तरीके से एरो लगा लीजिए। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है तथा ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है। आप यह चिन्ह लगा लीजिए तथा बात करते हैं बी किसको दे सकता है। तो ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी सिर्फ बी को ही दे सकता है तथा बी से ही ले सकता है। ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और यहां पर ए सिर्फ ए को दे सकता है और ए ए से ही ले सकता है, ये भी चीजें आप ध्यान में रखिए। और यहां पर ए बी जो है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है और ए बी से ही ले सकता है, ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और ए ए बी को भी दे सकता है और यहाँ पर बी ए बी को दे सकता है, यानी कि ए बी यहाँ पर आप निशान से देख रहे हैं, ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, यानी कि सभी से ए बी रक्त समूह यहाँ पर ले सकता है, रक्त ले सकता है। तो इसी के कारण इसको सर्वग्राही बोला जाता है इस वर्ग वाले व्यक्ति को, तथा ओ सभी को यहाँ पर दे रहा है इसी वजह से इसको सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है। तो आप इस तरीके से इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि बी किस से रक्त ले सकता है, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी किसको दे सकता है, ए बी किसको दे सकता है, तो ए बी ले सभी को सकता है लेकिन सिर्फ दे ए बी को सकता है। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बने आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो।
तो चलिए दोस्तों इसमें से क्वेश्चन करके देखते हैं। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो आपने ग्राफ के हिसाब से समझ लिया, ए बी। सर्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, तो वो जो जिनका रुधिर वर्ग होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। क्या रक्त वर्ग ए वाला व्यक्ति रक्त वर्ग बी वाले से रक्त ले सकता है क्या? तो ग्राफ में हमने समझा है कि ए वाला सिर्फ ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और सिर्फ ए बी को दे सकता है, तो बी वाले से रक्त नहीं ले सकता। बी वाला व्यक्ति सिर्फ बी को ही दे सकता है तथा ए बी को दे सकता है, ए को नहीं दे सकता। तो इसका आंसर आएगा नहीं ले सकता, केवल रक्त वर्ग ओ व रक्त वर्ग ए से ही ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्त दाब होता है 120 से 80 मिमी पारा। ये भी बहुत ही बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि करती है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या 52 लाख के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में जो आरबीसी की संख्या होती है वो 44 से 52 लाख होती है। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 48 लाख होती है, तथा पुरुषों की बात करें आरबीसी की संख्या की तो पुरुषों में 52 लाख होती है, और ऊंट की बात करें तो 1.40 करोड़ आरबीसी की संख्या ऊंट में होती है, और बात करें कुत्ता बिल्ली की तो इनमें लगभग 4 लाख होती है। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम स्टूडियो पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ से, तो यहाँ पर जल्दी से इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस परीक्षा होने से पहले इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज इस पर आने वाले हैं, ताकि उसको आप आसानी से देख सकें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो प्लीहा में जाकर नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में लिम्फोसाइट उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो रक्त धारा में हमारे ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड है वो रक्त ही है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो विसरण के दौरान ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में लोह तत्व मजबूत मौजूद होता है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होता है? तो उसका क्या परिणाम होगा कि जो शरीर में सभी धमनियां होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, तथा इसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अगर मानव शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो इस चीज को इस्कीमिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर में प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? यानी कि मानव रुधिर को जमने से कौन रोकता है हमारे शरीर में? तो इसका जो आंसर है वो है हिपेरिन। हिपेरिन हमारे खून को रक्त को जमने से रोकता है। मानव शरीर का पीएच कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है? तो इसका आंसर है लगभग 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रुधिर की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, मानव में कुल रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो जो 100% मानव में
कुल रक्त होता है उसमें से 55% उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो अरक्तता हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी के कारण होती है। मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो आरबीसी की जो आयु होती है वो 120 दिन होती है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है। आरबीसी की कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ जाकर समाप्त होती हैं, तो पलीहा में। ये क्वेश्चन उसी को इसी प्रकार पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो गया पलीहा। अगला क्वेश्चन, पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये थोड़े से बिंदु टाइप में हमने क्वेश्चन किए हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। अगला, लाल रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करते हैं, यानी कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है रक्त में, तो आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप ऑप्शन में आपको मिलेगा एकल, दोहरा, इसी प्रकार से मिलेंगे, तो मनुष्य में दोहरा रक्त रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लगभग रक्त से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने इसको अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा अपने एक साथी को तो जरूर इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।